नामकरण समारोह के पश्चात केसरी अपनी प्रजा को मारुति से मिलवाते हैं। वहां दूसरी ओर शंब साधन वन में वृक्षासुर नामक एक भयंकर दानव अपनी चीख से हाहाकार मचा देता है। वो अपनी विकराल जड़ों से जानवरों की परछाई द्वारा उन्हें पकड़कर निगल जाता है। प्रांगण में सूर्य की तीव्र रोशनी के कारण प्रजा अपने प्यारे युवराज को देख नहीं पाती है कि तभी मारुति अपनी परछाई का आकार बढ़ाकर उन्हें शीतल छाया का अनुभव कराते हैं। परंतु जब युवराज की परछाई शंब साधन वन में वृक्षासुर की रेखा तक पहुंचती है, अब आगे